हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विदिक्या गुप्ता। आज हम अपने चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जो लोग जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, और जो लोग लॉ से संबंधित न्यूज़ या कोई अन्य चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने चाहते हैं, तो ये उनके लिए सही चैनल है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, और आज थोड़ा जो टॉपिक है, आप पेशेंस रहिए, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आज हम आपको वो चीज़ें बताने वाले हैं जो जिससे आप प्री एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ये वो स्ट्रेटजी है जिन पे मैंने काम किया, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया, उन्होंने भी इस स्ट्रेटजी पे प्री में बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला। तो अपन उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले, उन टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्री एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज होती है कोई भी एग्ज़ाम की, तो मेनली जुडिशियल एग्ज़ाम, और जुडिशियल एग्ज़ाम के अलावा भी अगर कोई वीडियो को देख रहा है तो ये सबके लिए है, क्योंकि स्टडी तो हर जगह एक ही होती है। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको किसी भी प्रीलिम एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। तो जैसे आप टॉपिक देख सकते हैं, हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जाम, मतलब प्रीलिम एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा को आपको कैसे क्रैक करना है या उसको कैसे पास करना है। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बेस्ट स्टडी मटेरियल। आपको अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपके पास बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब बेस्ट स्टडी मटेरियल का मतलब कि वो किताबें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में हजारों किताबें हैं और भरी पड़ी है, तो आपके पास वो किताबें होनी चाहिए जो जुडिशियल एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो सिलेबस आपका कवर करती हो, जिसमें फालतू की चीज़ें ना हो। क्योंकि आप बाजार में जाइए, आपको बहुत सारे राइटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टडी मटेरियल आप परचेज करते हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप इसके बारे में जो आपके सीनियर्स हैं, जो इन्होंने एग्ज़ाम खुद क्रैक किया है, या जो आपके टीचर्स हैं, उनसे आप थोड़ा कंसल्ट करिए। ऐसा नहीं कि बाजार में गए, जिसका पोस्टर, इस किताब का आपको फ्रंट पेज अच्छा लगा या इसके पेज अच्छे लगे तो कुछ लोग ऐसी किताबें उठा के लाए, तो ये चीज़ें नहीं करिए। आप जो भी मटेरियल चुनिए, स्टडी मटेरियल ही आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टडी मटेरियल अच्छा होगा तभी आप एग्ज़ाम में सक्सेस पाओगे। अपन क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में बोलते हैं कि छक्के पड़ रहे हैं, हमारे बैट और उनके बैट में अंतर होता है। तो जब बैट की आप, उन लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो बैट की विडो होती है, मतलब लकड़ी, उसको अच्छे से चूज करते हैं, तो उनका बैट अच्छा होता है। तो वही चीज अपने साथ है कि अगर आपको एग्जाम में अपने क्या है, यही अपना बैट है, यही बॉल है, सब कुछ अपनी अपनी किताबें हैं, तो जो किताब सुनगी या किताब के अलावा भी जो मटेरियल आता है, चाहे नोट्स हो चाहे बैरक्स वगैरह हो, तो ये आपका कैसा होना चाहिए, बड़ा अच्छा मटेरियल होना चाहिए। हमने एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में बताएंगे कि प्री एग्जाम्स में क्या क्या आप मटेरियल यूज कर सकते हैं, उसके लिए अपन अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं क्या। तो सबसे पहले होता है बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। दूसरा, लिमिट योर सोर्सेस। अब लिमिट योर सोर्सेज या प्रिसाइज योर मटेरियल का मतलब है कि जो आपके सोर्सेज होने चाहिए, मतलब जो आपका मटेरियल है, जो आपके सोर्सेज है, ये लिमिटेड होने चाहिए। अब समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि आपको प्रीलिम एग्जाम के लिए आईपीसी की तैयारी करनी है, तो आप इस पर एक बैरेक्ट आप देख सकते हो, बैरेक्ट आपके लिए सफिशियंट है। बैरेक्ट के अलावा अगर चाहो तो एक किताब आप देख लीजिए, या कुछ आप अपने हैंडमेड नोट्स, तो इतना सफिशिएंट है। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, एक बैरेक लिया, बैरेक भी एक नहीं, वो दो दो तीन तीन बैरेक रखा है, तो तीनों बैरेक में सब में चीज़ एक ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, तीन बार पढ़ के अपना समय बर्बाद कर रहे हो। दूसरा, वो किताबें भी पाँच पाँच छः छः राइटर की पढ़ रहा है। तो मेरे जो सीनियर्स थे या मेरे जो टीचर थे, उन्होंने मेरे से एक चीज़ बोली थी कि एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करो, विद्वान बनने की नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने और विद्वान बनने में बड़ा अंतर है। तो हमें यहाँ क्या निकालना, एग्ज़ाम। तो जो आपके सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को क्या करिए, बड़ा लिमिटेड कर दीजिए, कि जो चीज़ अच्छी है, पहली बात बेस्ट होनी चाहिए चीज़, और दूसरी बात हमें हर चीज़ के तरफ नहीं फटकना कि एक हमारा दोस्त लेके आया, उसने बोला मैं ये किताब लेके आया, तो आपने कहा अच्छा ये किताब, वो आप किताब लेके आए, उसने बोला वो किताब, आप हम चाह रहे हैं कि हमारे टेबल में 10 किताबें, हमने सोचा 10ों की 10 पढ़ लें, तो आप 10ों की 10 में क्या, एक भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो मटेरियल आप पढ़ें उसको प्रिसाइज कर लीजिए कि मतलब ये दो, एक दो या तीन या चार, इतनी चीज़ों में एक बुक ले लीजिए, एक में सफिशियंट नहीं लग रही दूसरी ले लीजिए, या एक आपकी शॉर्ट बुक्स आती है जो आपको इजी वे में थोड़ा ट्रांसलेट कर देती है बैरेक लैंग्वेज में, एक वो ले लीजिए, एक आपके शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, और बैरेक, इससे ज्यादा चीजों में आप मत भागिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। इसके बाद बैरेक रीडिंग और राइटिंग। बैरेक को रीड करना भी एक आर्ट है, इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बैरेक कैसे रीड करें। तो बैरेक को रीड कैसे करना है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मटेरियल है जिसकी मैंने बात की थी वो है बैरेक, तो अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम निकालना चाहते हो तो बेस्ट मटेरियल, उसका सबसे बेस्ट मटेरियल वो है बैरेक। तो बैरेक को बार बार पढ़िए,
बेरेक को समझिए, बेरेक को तोड़ के पढ़ने की कोशिश करिए। बेरेक की जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट होती है किसी डेफिनेशन के या किसी सेक्शंस के, चाहे उसमें वो पनिशमेंट हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट शब्द हो, इन चीज़ों को याद करिए, सेक्शन का टाइटल याद करिए, तो बेरेक को रीड करिए। रीड करने के बाद अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है तो उस चीज़ को हाईलाइट करिए पेन से या मार्कर वगैरह से, और सेक्शन को हाईलाइट करिए। कोई चीज़ आपको अलग से निकाल के देखनी है कि आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे तुरंत दिखनी चाहिए, तो आप उसको अलग से भी लिख सकते हो, बेरेक में लिखने की कोशिश करिए। राइट इन बेरेक, मैंने आपको बताया कि बेरेक में लिखने की कोशिश करिए हमेशा, कि हम क्या करते हैं कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाना चाहते हैं, क्या एक ये कॉपी बना ली, ये कॉपी बना ली, आईपीसी लिख रहे हैं तो बेरेक से पढ़ रहे, कॉपी बनाई, रफ बनाई, तो अब क्या होता है कुछ समय बाद वो रफ कॉपी मिलती नहीं है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर वो छोटी छोटी चीजें हैं, तो उनको कोशिश करिए आप बेरेक में लिखने की। अगर बेरेक में लिखोगे तो आपको बेरेक बार बार बदलिए नहीं, ये भी चीज याद रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बोले यार एक साल दो साल हो गए, बेरेक के पेज थोड़े फटने टाइप के लगे, मैंने बेरेक बदल दिया। आप याद रखिए बेरेक बार बार बदलने वाली चीज नहीं है, बेरेक में लिखिए और बेरेक जब तक सिलेक्शन नहीं होता उस बेरेक को कंटिन्यू करिए। क्योंकि अगर हम कोरे बेरेक से पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, जैसे इसके बिल्कुल व्हाइट पेज होते, तो आपने ध्यान दिया होगा हमें मजा नहीं आती। लेकिन जितने भी जिनके एग्जाम्स वगैरह सिलेक्शन हुए होंगे, कभी उनसे पूछिएगा उनके या उनके बेरेक देखिएगा, आपको समझ जाओगे बहुत पूरे बेरेक गुदे होंगे, गुदे इन द सेंस कि बहुत सारी चीज उसमें लिखी होंगी, हर चीज हाईलाइट होंगी। तो आप इस प्रकार से चीजों को करिए। ये अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे कैसे उसको करना है। गुदने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी लाइन खींच दी। कुछ लोग रहते हैं कि उन्होंने बोला हाईलाइट करो तो ए से यहां से पूरी डेफिनेशन उन्होंने हाईलाइट करी, उनसे बोला कि जो मेन चीज है कलर करो तो उन्होंने पूरी डेफिनेशन कलर कर दी। ये ट्रिक नहीं है, उस ट्रिक में अपन बाद में बात करेंगे। इसके बाद नोट्स प्रिपरेशन, प्री के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बेरेक में लिख लिया और अगर आपको लगता है कि बेरेक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो सफिशिएंट नहीं हो पाती हम बेरेक में नहीं पाते, जैसे केसेस होते हैं या कोई जूरिस्ट वगैरह की डेफिनेशन होती है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें अलग से लिखनी है एसेंशियल्स वगैरह, तो उसके लिए एक नोट्स प्रिपेयर करिए। और ध्यान रखिए जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसको खुद की लैंग्वेज में प्रिपेयर करिए, क्योंकि आजकल बाजार में पीडीएफ के रूप में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नोट्स आते हैं या बहुत सारे कॉलेजेस के नोट आते हैं, तो वो आते हैं ठीक है, लेकिन अगर खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो बड़ा ईजी पड़ता है, क्योंकि हमें उसकी लैंग्वेज पता और वो हमें पता है कि हमने क्या लिखा। दूसरी चीज, नोट्स को जब भी बनाइए नोट्स को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, बहुत ज्यादा लेंथी लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब एग्जाम का लास्ट मंथ होता है, जब वैकेंसी आ जाती है, 15-20 दिन बचते हैं, तो फिर हमारे पास इतना समय पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। अब हम चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं और एक सब्जेक्ट के लिए लगभग हमें एक दिन मिलता है, तो हमें चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है। तो आपको नोट्स खुद के बनाइए, शॉर्ट बनाइए। आप किसी इंस्टीट्यूट के परचेज करते हो, ठीक है वो अच्छे हैं, 200-300 पेज के होते हैं, क्या क्या आप उसमें करोगे, क्या क्या पढ़ोगे, वहां पे वो दिक्कतें आती हैं। तो मैंने बोला कि नोट्स खुद के बनाइए। इसके बाद रिवाइज एंड अगेन एंड अगेन, जिस चीज को पढ़ा है अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज को बार बार पढ़ोगे, कोई बोलता है कि मुझे याद नहीं होता, याद इसलिए नहीं होता पढ़ते नहीं है, आप बार बार चीजों को पढ़िए, एक समय आएगा आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो जो चीजें लिखी हैं, चाहे वो बेरेक में लिख रहे हो, चाहे किसी नोट्स में लिख रहे हो, ये याद रखिए जो भी चीज लिखनी है केवल लिखना नहीं है, उसको हमें रिवाइज करना है। और रिवाइज भी एक बार नहीं, बेरेक को बार बार रिवाइज करिए, नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। जैसे आप बार बार रिवाइज करोगे तो एक समय आएगा कि आपको याद हो जाएगा कि मैंने किस पेज पे क्या लिखा है। हो सकता है आप एग्जाम देने गए प्री का, ये तो आपका कॉपी है 2 पेज की, आपको याद हो जाएगा। हो सकता है जिस दिन पे अगर आपने बार बार रिवाइज किया होगा तो कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा था, फिर उसके बारे में सोचोगे हाँ मैंने वहां पे उस कॉपी की इस साइड एक पॉइंट लिखा था, हाँ वो ब्लैक कलर से मैंने उसको मार्क किया था। ये भी चीज एग्जाम में याद आती है, लेकिन ये कब होता है, जब आप बार बार रिवाइज करते हैं। तो मैं बोलूंगा चीजों को बार बार रिवाइज करिए, यही वो ट्रिक है जिनसे टॉपर्स बनते हैं। आप किसी भी टॉपर से पूछ सकते हैं तो आपको एक दो चीजें हो सकता है कम बताए या ज्यादा बता दे, लेकिन यही चीजें होंगी जिनसे वो एग्जाम क्रैक करते हैं, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना भी एक आर्ट है। आपने सुना होगा वो व्यक्ति का प्री बहुत अच्छा है, उस व्यक्ति का मेंस बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो उसका मास्टर हो चुका है, तो उसने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई होगी जिससे वो इस चीज का मास्टर हो गया। तो आज हम उसी स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और मिरर प्रेजेंटेशन। ग्रुप डिस्कशन करिए, बोलते हैं कि यार हमसे अब कॉन्फिडेंस नहीं है, चीजें याद नहीं होती, तो क्या है एक ग्रुप में बैठिए। ग्रुप में डिस्कस करने से क्या होता है, 5 लोग बैठे, अब बैठने से अच्छा है, अब जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप गॉसिप्स करेंगे, गॉसिप्स करने से अच्छे एग्जाम की बात करिए। आप 5 लोगों का अच्छा ग्रुप है, रोज को 2 घंटे बैठता है, तो 2 घंटे बैठ के दुनियादारी की बात करने से अच्छा है कि अपन लॉ के डिस्कस टॉपिक पर डिस्कस कर लें। हमने बोल दिया आज अपन 5 दोस्त हैं, हमने कहा कि चलो ऐसा करना आईपीसी पढ़ के आना कल से 100 सेक्शन 100 तक,
पांचों लोग पढ़ के आए, तो चलो हमसे चालू हुई। जैसे अपन हम ताक्षर खेलते हैं, हमने सेक्शन वन हमने बताई, टू इसने, थ्री इसने, फोर उसने, फाइव इसमें, अब समझिए एक दोस्त ने सेक्शन सिक्स गलत बता दी तो बगल वाले को पास हो गया कि भैया आप बताइए। तो यहां पे क्या होगा कि भले आपने एक व्यक्ति ने, पांच लोग थे, एक ने बीस बीस सेक्शन बताई तो टोटल सौ हो गई। अब सौ आपने बीस पढ़ी लेकिन आपको बार बार रिवाइज हो गई। अब इसमें क्या चीजें होती है, जो आपने पढ़ा वो तो आपके पास था ही, अब उन चार लोगों ने अगर उन सेक्शन में कोई अलग से चीज पढ़ ली होगी, इसेंशियल चीज उसमें पढ़ी, तो वो आपको बताएंगे। उसने बोला कि यार सेक्शन 34 बोलती है ऐसा, तो आपको ये तो पता था। एक ने बता दिया कि 34 ये भी बोलती, अरे आपने कहा ये तो मुझे नया पता चल गया, आप तुरंत उसको राइट डाउन कर लीजिए। एक तो आपका दोस्तों के बीच में आपका एक ग्रुप बना रहेगा, आप रोज मिलते जुलते रहेंगे। बोलते ना कि हम दोस्तों से मिल नहीं पाते, मिलिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो बातें करिए, जो टॉपिक्स, दोस्त ऐसे बनाइए जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करें जब तक एग्जाम आप नहीं निकाल पा रहे। मिरर प्रेजेंटेशन, चीज़ें समझ में नहीं आती, याद नहीं होती, मिरर के सामने खड़े होइए, बोलिए मिरर के सामने खड़े होके, झिझक भी जाएगी, इंटरव्यू की बेस्ट प्रिपरेशन होती है और साथ साथ चीज़ें भी याद होती हैं। आप खुद याद करते हो, क्योंकि जब हम जब पढ़ लेते तो हमें लगता है हमें सब कुछ याद हो गया, अब हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आप प्रेयर ब्रेक बंद करिए, मिरर के सामने खड़े होइए, बातें करिए, हाँ बोलो, सुनाओ मैंने सेक्शन वन ऐसा बोलती, सेक्शन टू ऐसा बोलती, सेक्शन थ्री ऐसा बोलती, सेक्शन फोर ऐसा बोलती, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। जहां फंसो तुरंत बैरक खोल लीजिए, अरे बैरक यार ये सेक्शन भूल गए थे, सेक्शंस भी याद होंगी, इंटरव्यू की भी तैयारी अपने आप होती जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बन के आएगी। क्योंकि जो अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा प्रेजेंट करता है चीज़ों को, उसकी हर जगह इज्जत होती है। इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना भी बैरक पढ़े हैं, एमसीक्यू की आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनकी क्या आती हैं, इनको हम ओटी भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, इनकी किताबें आती हैं जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो एमसीक्यू की किताबें आती हैं, टाडा की आती है, राहुल मिश्रा आती है, घटना चक्र आती है, और भी बहुत सारी, यूनिवर्सल की आती है, लेक्सिस नेक्सिस की आती है, बहुत सारी, मैंने कुछ बताया जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्टडी मटेरियल पे तो बताऊंगा। इनको लगाइए, जैसे मैंने बोला कि मैंने आईपीसी की सेक्शन 1 से लेके 100 पढ़ ली, तो मुझे तो लगा मुझे सब आता है, लेकिन आपको आता है या नहीं आता तो प्रैक्टिस कैसे करोगे। आप तुरंत एमसीक्यू खोलिए किसी भी ब्रेक के और रैंडमली लगाते जाइए। अब वहां पे 3 या 4 या 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे या जिन पे डाउट्स होगा, तो उनको पढ़िए कि हमसे ये डाउट क्यों आ रहा है या हमारा क्वेश्चन क्यों गलत हुई है, और दोबारा बैरक पे जाइए तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप गलत कर रहोगे, और यही गलतियों को अगर सुधारोगे तो डेफिनेटली मानिए कि आप एग्जाम को करेक्ट कर जाओगे। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस बार बार करिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टेस्ट सीरीज को, हमेशा टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि हम तो ये सोचते ना कि हमें सब कुछ आता, जब तक आप चार लोगों के कॉम्पिटिटर के साथ नहीं बैठोगे तो नहीं पता चलता। हमने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, हम एग्जाम देने डायरेक्ट पहुंच गए और एग्जाम में हमारे 80 आए, हमें तो 80 बहुत अच्छे लगे लेकिन कट ऑफ तो गई 90। तो पेपर में जबकि तैयारी 90 लाइक थी, हम 80 में खुश होते रहे कि हमें तो बहुत कुछ आता है। तो जब एग्जाम देते हैं, चार लोग बैठते हैं, तो हमें अपनी प्रिपरेशन का आंकलन लगता है कि यार उसके कितने आ रहे, यार वो तो 90 मार रहा है तो मेरे तो 80 कम है। तो टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन भी, कुछ सारे ऐप्स आने लगे हैं तो ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या अगर कहीं पे आपको ऑफलाइन भी प्रोवाइडेड हो रहा है तो आप ऑफलाइन प्रोवाइड कर लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाइए। इससे आकलन लगता है कि हम किस स्तर पे पहुंच गए हैं और हमें अभी कितनी प्रिपरेशन की आवश्यकता है। इसके बाद लास्ट, प्रॉपर गाइडेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी एग्जाम, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, लेकिन प्रीलिम्स में भी मैंने ये बताना चाहूंगा कि एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। अब समझिए कि प्रॉपर गाइडेंस का मतलब, मैं ये नहीं बोलता कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करिए, गाइडेंस का मतलब अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको गाइड कर सकता है, कोई सीनियर है, आपके पेरेंट्स इस काबिल है कि आपको गाइड कर सके, और कोई नहीं है तो एक टीचर या कोचिंग इंस्टीट्यूट भी क्यों नहीं, कोई भी अगर अपन को गाइड करता है। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सेक्शन 34 पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, छोटी सी लगती है, या आप 34 किसकी पढ़ रहे हो, सीआरपीसी पढ़ रहे हो, आप 34 किसकी पढ़ रहे हो, आईपीसी पढ़ रहे हो, आईपीसी की 34 बहुत छोटी समझ में आती है यार, 3 लाइन की डेफिनेशन बहुत इजी है, लेकिन जब उसमें बड़ी बड़ी बुक दो तो इस 34 पे तो एक बड़ी बड़ी बुकें लिख गई, तो इतनी बड़ी कैसे हो गई ये बुक, कितने सारे उसके अंदर रूल समाए हुए हैं। तो जब आपको बैरक से अगर पढ़ रहे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या किसी चीज़ पे अपन फंस रहे हो, तो अपन उस जिस व्यक्ति जो आपका प्रॉपर गाइड है, गाइडर है या आपका गाइड है, वो आपको क्या सकता है, गाइड कर सकता है कि उसके बारे में आपको कैसे पढ़ना है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। मैं तो मेरे हिसाब से अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप प्री एग्जाम के मास्टर हो जाएंगे और प्री एग्जाम आपके कभी नहीं निकलेंगे। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इन चीज़ों को जानते होंगे कि जो इंस्टीट्यूट से हैं उनके प्री एग्जाम कभी नहीं रुकते, क्यों, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं जो एग्जाम को आपको क्रैक करने में आपकी हेल्प करती हैं। और इसी प्रकार से हम
जो जुडिशियल एग्जाम से संबंधित है या लॉ से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के पास तक शेयर करें। हम समय समय पर और अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए ग्रुप के जो आपका चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां पर आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। आप वहां से भी हमसे जुड़िए, आपको अलग अलग जानकारी समय समय पर वहां पर भी मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।